एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका स्वागत है। तो चलिए हमेशा की तरह देखते हैं कि आज मार्केट कैसा होगा, साथ ही देखेंगे फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 17,000 का सपोर्ट मिल रहा है और 17,300 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी को अराउंड 35,000 का सपोर्ट मिल रहा है और 36,000 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले है सोलार इंडस्ट्रीज, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 2731 पर। स्टॉप लॉस 2662, पहला टारगेट 2800 और दूसरा टारगेट 2879 पर रख सकते हैं। इसके बाद है ग्रीव्स कॉटन, जहां पर साइडवेज मूव टू एंड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 191.7 पर। स्टॉप लॉस 186.5, पहला टारगेट 197.5 और दूसरा टारगेट 204 पर रख सकते हैं। फिर है अडानी विलमार, जहां पर पॉजिटिव चार्ट है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 461 पर। स्टॉप लॉस 449, पहला टारगेट 473 और दूसरा टारगेट 489 पर रख सकते हैं। फिर है रत्ना मनी मेटल्स, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 2531 पर। स्टॉप लॉस 2467, पहला टारगेट 2595 और दूसरा 2672 पर रख सकते हैं। इसके बाद गुजरात अल्कलीज, जहां पर पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 897 पर। स्टॉप लॉस 875, पहला टारगेट 920 और दूसरा 943 पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे और देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। गुजरात अल्कलीज वेंट अप 14% टच्ड बोथ टारगेट्स। सुप्रीम पेट्रोकेम वेंट अप 13.6% टच्ड बोथ टारगेट्स। टाटा एलेक्सा वेंट अप 8.6% टच्ड बोथ टारगेट्स। डेल्टा कॉर्प वेंट अप 3.1% टच्ड फर्स्ट टारगेट। अडानी ईएनटी वेंट अप 3% टच्ड फर्स्ट टारगेट एंड एटीजीएल वेंट अप 12.2% इन टू डेज टच्ड बोथ टारगेट्स। अब देखते हैं स्टॉक इन न्यूज। इसमें हम आज बात करेंगे अडानी ग्रुप, कोल इंडिया लिमिटेड और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। सबसे पहले अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप ने गूगल क्लाउड के साथ एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप अनाउंस किया है। एज द डुओ टीम्ड अप टू मॉडर्नाइज अडानीज आईटी ऑपरेशंस फॉर फ्यूचर स्केल एंड ग्रुप वाइड इनोवेशन। The strategic collaboration will tap each organization's expertise across infrastructure, technology and industry solutions to modernize Adani Group's IT operations. वहीं कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड एलेज द सप्लाई शॉर्टफॉल एप्रीहेंशन ऑफ द पावर सेक्टर और इनका कॉन्सेंट्रेशन अपने एफर्ट्स पर है टू मीट द प्रोजेक्टेड कोल डिमांड ऑफ दिस रेगुलेटेड सेक्टर ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। अब देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। तो इस कंपनी ने फॉर्मर CAG विनोद राय को एज इट्स चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। TS Kalyanaraman कंटिन्यू करेंगे एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन द कंपनीज बोर्ड। वहीं विनोद राय वॉज द फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। मॉर्निंग आउटलुक में फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फाइव पैसा के साथ बने रहें और अपने फीडबैक और सजेशन हमें कॉमेंट सेक्शन में ऐसे ही देते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल फाइव पैसा को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड।